बाद में महिलाओं की एक स्वयं सहायता समूह ने भारत में कोरोना वायरस की वजह से बाजार में मास्क की कालाबाजारी को देखते हुए अपने समूह से निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया है। वहीं इस बाबत समूह की महिलाओं ने बताया कि बाजार में मास्क की कालाबाजारी उनके लिए चिंता का विषय है। ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोरोना से संघर्ष कर रहा है, तो सरकार द्वारा सिखाए गए सिलाई काम को उन लोगों ने मास्क बनाने के लिए उपयोग किया, ताकि लोगों को कालाबाजारी और बीमारी से बचाया जा सके। इसका दो मकसद है। सबसे पहले मकसद ये है कि हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पब्लिक को कम पैसे में कुछ अच्छा चीज़ मिले। ठीक है, हम लोग बहुत तरह का काम भी कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2-3 दिन के अंदर हम लोग देख रहे हैं मास्क मार्केट में अवेलेबल कम होते जा रहा था, जिसके कारण रेट बहुत बढ़ रहा था। एक मास्क का प्राइस 150 से लेकर 200 रुपये तक चले गए थे। तो हम लोग सोचे कि पब्लिक हम लोग के साथ है, और पब्लिक हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो पब्लिक जो ज़्यादा पैसे दे के छोटी चीज़ खरीद रहे हैं, तो हम लोग उनको रिजनेबल प्राइस जो एक होता है, उसी प्राइस में उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाए। हमारे पास कला है, हम लोग स्टिचिंग जानते थे, तो हम लोग सिलाई जानने के हिसाब से सोचे कि इस चीज़ का उपयोग किया जाए। हम लोगों को सरकार जो सिलाई सिखाई थी, तो मुसीबत का सामना करने के लिए और ऐसे समय में तैयार रहने के लिए, तो हम लोग SSG की महिला लोग जितने स्टिचिंग करते थे, वो इस काम को करना चालू किए। और स्टिचिंग अपने हाथों से करने के बाद किस तरह का डिमांड हो रहा है? अभी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, डिमांड इतना है कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। कितने में आप लोग बेच रही हैं? 25 रुपये में बेच रहे हैं सर। कॉस्ट कितना आ जाता है? कॉस्ट सर 15 रुपये कॉस्ट आते हैं सर, तो 5 रुपये हम लोग लेबर कॉस्ट के लिए रखते हैं, और 5 रुपये जो हम लोग रॉ मटेरियल लाने में खर्च करते हैं उसके लिए लगते हैं बस। नाम प्रीति शुक्ला।